हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर नंबर 11 है ये, क्लास 10th का दोस्तों। और इससे पहले भी दोस्तों हमने बहुत सी वीडियो से हर चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। आप उसको अगर आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप जाइए आप देख सकते हैं। आपको जो भी देखना है, जिस भी चैप्टर का वीडियो आपको देखना है, आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरा नाम है बच्चों दानिश। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय मैथ। तो आइए अब शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखिए दोस्तों, पहले हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर। पहले हम सीखेंगे कि देखिए अगर माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, ठीक है। पहली बात देखिए सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज सेक्टर, ठीक। तो सेक्टर क्या होता है बाबू, देखिए जो दो रेडियस और उनके और आर्क के बीच का पोर्शन क्या होता है, सेक्टर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। दो रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है सर्कल का, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है, एक आर्क है, ठीक है। ये पी बी, ये क्या है, ये आर्क है, ये पी बी आर्क है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे हम, सेक्टर। अब लेकिन देखिए दोस्तों, इधर भी है, इधर भी, ये भी सर्कल का रेडियस, ये भी सर्कल का रेडियस, और इधर भी तो आर्क है, ठीक है। तो दो तरफ है, ठीक। तो जो बड़ा वाला होता है उस पोर्शन को क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर, और जो पोर्शन छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर, ठीक है। दो रेडियस और बीच में क्या होगा, आर्क, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, जो बड़ा वाला पोर्शन होगा उसे मेजर सेक्टर, और इधर छोटा वाला क्या बनेगा, हम उसको क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर, ठीक है। ये इतनी सी बात थी दोस्तों। और इसी का जब आप एरिया निकाल लीजिएगा तो उसे क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। तो आपको अभी तक दो बातें समझ में आई, क्या पहला पहला कि सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपको समझ में आया सेक्टर किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं दोस्तों, रेडियस और बीच में, दो रेडियस और उसके बीच में आर्क से जो पोर्शन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। दूसरा आपने क्या बात सीखा कि मेजर सेक्टर क्या होता है, जो मेजर सेक्टर जो बड़ा वाला पोर्शन होता है, और माइनर सेक्टर क्या होता है, छोटा वाला पोर्शन होता है, ठीक है। ये तीसरी बात होगी माइनर सेक्टर, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई दोस्तों देखिए ये सर्कल है, ठीक, कोई सर्कल है, ठीक है। अगर कोई कार्ड है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई कार्ड है सर्कल, ठीक है। तो कार्ड और उसके बीच में उस और वहाँ का जो आर्क है, ठीक है, तो उसके बीच को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। उसके बीच के हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। और जो बड़ा वाला अगर इसी तरीके से यहाँ पे भी आर्क है, सॉरी यहाँ पे भी आर्क है, और ये भी क्या है, ये कार्ड, तो ये भी क्या हुआ, सेगमेंट हुआ, ठीक। तो जो बड़ा वाला कहेंगे, बड़ा वाला होगा पोर्शन, उसे क्या कहेंगे हम, मेजर सेगमेंट। और जो छोटा वाला पोर्शन होगा उसे क्या कहेंगे हम, माइनर सेगमेंट। तो यहाँ से आपने कितनी बात सीखी, तीन बात। पहला सेगमेंट क्या होता है दोस्तों, ठीक ठीक है। अगर कोई सर्कल है, सर्कल में सेगमेंट की बात करें दोस्तों, ठीक है, सर्कल में सेगमेंट की बात करें, सर्कल है और उसे कोई कार्ड है, ठीक है। तो कार्ड और उससे बीच का और आर्क के जो बीच का पोर्शन होगा, कार्ड और आर्क के बीच का जो पोर्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंट, ठीक है। जो बड़ा वाला पोर्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला होगा उसे भी कहेंगे हम माइनर सेगमेंट, ठीक। ये भी क्या दोस्तों, ये भी एक आर्क है, ठीक, और ये क्या है, कॉर्ड। तो ये भी क्या हुआ, सेगमेंट हुआ, लेकिन बड़ा वाला है, बड़ा पोर्शन है, तो ये से हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक, मेजर सेगमेंट। और तीसरा बात क्या है, माइनर सेगमेंट। माइनर क्या, देखिए ये भी एक आर्क है, ठीक, और इसके बीच का, और ये कॉर्ड है, और इसके बीच का पोर्शन को हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक। तो आप यहाँ से तीन बातें सीखा। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा दोस्तों, अभी तक आपने सीखा सेक्टर, फिर मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर में क्या होता है दोस्तों, रेडियस और आर्क के बीच में होता है, और सेगमेंट में क्या होता है दोस्तों, सेगमेंट में कॉर्ड और आर्क के बीच का होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, रेडियस और आर्क के बीच होगा, और सेगमेंट में क्या होगा, कॉर्ड और आर्क के बीच में होगा, ठीक। देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये है फॉर्मूला आपका, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक। क्या होगा बाबू, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे आता है दोस्तों, देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट। जैसे देखिए एक सर्कल है दोस्तों, इसका सेंटर क्या है, ओ, ठीक है। यहाँ से हमने, हमको क्या करना है, हमको इस थीटा जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक,
मेड बाय एंगल थीटा, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, मेड बाय एंगल थीटा, ठीक है, ये वाला ओ ए बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आपने पढ़ा सर्कल चैप्टर में, ठीक है। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है दोस्तों, अगर आप यहाँ से आप शुरू करोगे, कहीं से भी यहाँ शुरू करोगे तो पूरा नाचोगे, ठीक है। तो क्या पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है दोस्तों, 360। तो मतलब 360 डिग्री जो है दोस्तों, वो आपको बनाता है कितना, पाई आर स्क्वायर एरिया बनाता है। तो 1 डिग्री कितना एरिया बनाएगा, 1 डिग्री एरिया बनाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपसे पूछ रहा है थीटा डिग्री कितना एरिया बनाएगा, तो थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से थीटा मल्टीप्लाई होगा तो थीटा ही रहेगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, थीटा पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। थीटा से मल्टीप्लाई इस तरफ हो गया, इस दोनों तरफ थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब थीटा कितना एरिया बना ले रहा है, बना रहा है पाई आर स्क्वायर, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक। तो यही फार्मूला उसने यहाँ पे करके बताया है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा कितना बना रहा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों आपसे अगर पूछे कि यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, थीटा मान लीजिए एंगल बना रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका आर्क का लेंथ कितना होगा, ठीक है, लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो वही बात इसमें भी करेंगे हम, इस बार क्या कह रहा है, आर्क का लेंथ कह रहा है, ठीक। तो देखिए दोस्तों कैसे करिएगा आप, देखिए पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होगी दोस्तों, सर्कमफेरेंस के बराबर। पूरे सर्कल का लेंथ कितना होगा दोस्तों, सर्कमफेरेंस के बराबर, मतलब 2 पाई आर के बराबर। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, अगर इसकी रेडियस आर है तब, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक। पूरे सर्कल का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, और पूरे सर्कल का एंगल कितना होगा, वो 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री, सॉरी 1 सेकेंड दोस्तों, मतलब 360 डिग्री कितने लेंथ का आर्क बना रही है, 2 पाई आर लेंथ, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने का बनाएगा बाबू, 2 पाई आर अपॉन 360। तो आपसे पूछ रहा है थीटा डिग्री कितना लेंथ आर्क बनाएगा, तो थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, थीटा इंटू थीटा, थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360। आप इसे क्या करिए बाबू, अरेंज कर दीजिए, ठीक है, जिस तरीके से आपको बुक में अरेंज किया है कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक, इसी तरीके से आपको दिया। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, देखो तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखिए आप इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जहाँ आपसे एरिया पूछेगा तो एरिया फार्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, बस आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, थीटा अपॉन 360 से। और आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ आर्क मेड बाय एंगल थीटा, तो आप क्या करिएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है सर्कल का पूरा, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, आप किससे मल्टीप्लाई करिए, थीटा अपॉन 360 से, ठीक है। दोनों में थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करना है, एरिया में पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, लेंथ में 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करिए, काम खत्म, ठीक है। तो अभी तक यहाँ से आपने दो फार्मूला याद किया, पहला एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, दूसरा लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, ठीक। आपको एंगल इसमें पता होना चाहिए तभी निकलेगा। तो आइए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 11.1 क्या कह रहा है दोस्तों, आपको एक जानकारी दिया है कि पाई की वैल्यू कितना लेना है दोस्तों, 22.7, ठीक। पहला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, ठीक है, वही से क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आपको दिया है, रेडियस कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, और आपको एंगल कितना दिया है दोस्तों, 60 डिग्री। कह रहा है मतलब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, अगर आप समझेंगे तो मतलब, ठीक है, मान लीजिए ये है, कितना बना रहा है एंगल, 60 डिग्री, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है बाबू, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर बताइए ओ ए बी का, ओ ए बी का इसका आपको एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, ठीक है, ओ ए बी, ये ओ ए बी एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा दोस्तों, आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, मेड बाई एंगल थीटा,
मतलब ठीक है, मेड बाई एंगल थीटा, यहाँ थीटा कितना है 60 डिग्री, यहाँ थीटा क्या बाबू 60 डिग्री, यहाँ पहले लिख लेते। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या बताया था कि थीटा अपॉन 360 लिखिए, और उसमें दोनों में थ्री थीटा अपॉन 360 दोनों में होगा, ठीक है, और उसमें किससे मल्टीप्लाई करें, अगर एरिया पूछे तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ठीक, काम खत्म। आप थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 60 डिग्री, 360 × 22/7 इसको लेना, ठीक है, और इसकी रेडियस कितना बाबू 6 × 6, तो यहाँ 1 0 1 0 से गया, और 6 6 36, और यहाँ 36 चला जाएगा, ठीक। तो आपको कितना बचा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 6 × 12 = 13 132/7, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होता है, जैसे ये सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट क्या होगा, स्क्वायर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो आपका ये आपका आंसर है, ठीक है बाबू, खत्म। आइए अब दूसरा देखते हैं दोस्तों सवाल, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस आपको दिया है 22 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो मतलब जैसे अगर हम एक सर्कल बनाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट दोस्तों सेंटर कितना बनाता है 90 डिग्री, सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, ठीक। तो आपको पूछ रहा है इसका आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए जो 90 डिग्री बना, ओ ए बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 × π r² यही होता है फॉर्मूला। थीटा यहाँ कितना है बाबू 90 डिग्री, रख दिया थीटा इज 90 / 360 × π × r, r कहाँ से आएगा दोस्तों, आपको सर्कमफेरेंस दिया था, कितना दिया था सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है फॉर्मूला 2π r, आपको कितना दिया है सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, 22, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 11 32, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा आपका 11/π, ठीक है, r क्या होगा 11/π, r की वैल्यू यहाँ पुट कर दी दोस्तों, 11/π का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 से 0 गया, 9 4 36, ठीक। तो क्या बचा, π/4 × 11/π का स्क्वायर, तो 1π और 1π यहाँ से हो गया, ठीक है। कितना बचा दोस्तों, देखिए 11/4 बचा × π, मतलब 22/7 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों आप जब 11/π का आप स्क्वायर किए तो पाई 11 का स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा 11 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे भी 11 का स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब 11 दो बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 11 × 11 ×, ठीक है, 22/7 वाला 7 ऊपर चला गया, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा, 11 × 22, तो क्या आपका आएगा बाबू 77/8, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, या सेंटीमीटर में दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या करा, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब घड़ी है हमारा, उसमें क्या होता है आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, जो मिनट वाली सुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड, ठीक है, और जो आवर घंटे वाली सुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर हैंड, ठीक है। तो मिनट हैंड हमको दिया है, करा कि मिनट हैंड की लंबाई कितनी है दोस्तों 14 सेंटीमीटर, ठीक, करा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है, करा मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट में कितना एरिया, मतलब कितना एरिया उसने लिया, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे था मिनट हैंड वाली मान लीजिए 1 और 2, ठीक, तो एरिया मान लीजिए यहाँ पे 1 और 8, तो मिनट हैंड 5 मिनट में कहाँ जाएगी, 2 पे चली जाएगी, तो कह रहा है इतना एरिया इसने कवर किया, ठीक, इतना एरिया इसने स्वेप्ट किया, ठीक है। तो कैसे वो निकालेंगे, अगर हमको ये एंगल पता चल जाए और हमको ये लेंथ क्या है, हमें दिया है ये 14 सेंटीमीटर,
इसकी लेंथ तो हमको दिया ही है 14 सेंटीमीटर। अगर हमें यह एंगल पता चल जाए तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के हम बता देंगे कि कितना एरिया स्वेप्ट किया। ठीक है, तो कैसे हमको एंगल पता चलेगा, तो आइए हम चलते हैं उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, मिनट हैंड वाली 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है? मिनट हैंड वाली 360 डिग्री बनाती है, एक चक्कर पूरा लगाती है मिनट हैंड वाली। अगर 12 मान लीजिए शुरू हुई, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना लगाएगा? पूरा 12 जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना एंगल बनाई मिनट वाली सुई? 360 डिग्री, एक कंप्लीट एंगल बनाई है। ठीक है, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है बाबू? 60 मिनट। 1 घंटा कह लीजिए या 60 मिनट कह लीजिए, मतलब 60 मिनट में कितना, 60 मिनट कितना एंगल बना रहा है? 360 डिग्री का। ठीक, तो आपका 1 मिनट में कितना डिग्री, 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा एंगल? 360/60। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइव, हमको निकालना 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा। तो 5 मिनट्स, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 1 मिनट मतलब 5 हो जाएगा। 5 मिनट में कितना हो जाएगा बाबू? तो यहाँ क्या करिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए आप, 360 × 1/60। ठीक है, ये इधर से चला गया, 6 6 30 हो गया, 6 5 30 डिग्री, मतलब 5 मिनट में कितना एंगल बना बाबू? 5 मिनट में घड़ी ने कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। ठीक, 5 मिनट में घड़ी कितना बना रही है एंगल? 30 डिग्री मान लीजिए, ये है आपको। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 5 था, तो यहाँ पे मान लीजिए ये, और फिर अगला क्या हुआ आपका? 6 मान लीजिए यहाँ पे। ठीक, 6, तो ये आपका 5 मिनट में कहाँ हो जाएगा? 5 से 6 पे चला जाएगा, मतलब अब कितना एंगल बनाएगा बाबू? 30 डिग्री। हाँ ठीक है, तो आप, और इसकी लेंथ कितनी दिया है? 14 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आप देख लीजिए, 14 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है, तो आप क्या निकालिए, इसका एरिया हमसे पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया, इसका मान लीजिए ओ ए और बी। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या हो जाएगा? हमने बताया था θ/360 करिए, एरिया निकालना है तो पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो थीटा कितना, थीटा एंगल यहाँ थीटा कितना है वो? 30 डिग्री अपॉन 360 करिए, ठीक, इंटू पाई, पाई मतलब 22/7, और रेडियस कितना है दोस्तों? 4 का स्क्वायर, सॉरी 14 का स्क्वायर, मतलब 14 × 14। ठीक है, 7 × 2 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 0 0 गया, और यहाँ 3 12 था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 6 12, ठीक, और 2 3 2 11 सा। ठीक है, तो हमारा क्या बचा? हमारा क्या बचा? 11 × 14/3 सेंटीमीटर में दिया था, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11 4 44, 4 कैरी 11 11 11 और 4 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब आगे चलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक ऑर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सब्सटेंड द राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, मतलब एक कॉर्ड है, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए, एक सर्कल है मान लीजिए, यहाँ हमने सेंटर ओ ले लिया, एक कॉर्ड है ये मान लीजिए ए बी। ठीक, इसका सेंटर का नाम है ओ। कह रहा है कितना, कह रहा है सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करा है? 90 डिग्री, मतलब इसे आप अगर ज्वाइन करिएगा सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा बाबू? 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये सेंटर पे कितना बनाएगा एंगल? 90 डिग्री। ठीक, तो आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग, पहला माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, पहला पूछ रहा है आपसे माइनर सेगमेंट, और दूसरा पूछ रहा है आपसे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है आपसे, इसका एरिया पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हम फिर से बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ सेगमेंट कहाँ है, मतलब कॉर्ड के द्वारा माइनर सेगमेंट कौन सा है? ये वाला, ये वाला है। ठीक है, कॉर्ड के मेजर सेगमेंट ये वाला था, लेकिन मेजर सेगमेंट नहीं पूछा आपसे, माइनर सेगमेंट पूछा, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो आपसे ये एरिया आपसे पूछा है। ठीक, कह रहा फाइंड द एरिया। ठीक, तो अब ये कैसे निकलेगा दोस्तों? देखिए, पहले आप क्या करिए,
आपसे पूछा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, तो आप क्या करिए, मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए पहले, दूसरा वाला पहले कर लीजिए, ठीक है। लेकिन तो एरिया ऑफ, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाले को, ठीक है। देखिए यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो इस तरफ का हमें अगर एरिया निकालना है तो हमें इस तरफ का एंगल भी चाहिए, ठीक, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला रेडियस और ये वाला आर्क, ठीक, ये दोनों रेडियस और ये वाला आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो देखते हैं। तो पूरा टोटल एंगल होता है 360, 360 में से अगर हम 90 को घटा दें तो हमारा आ जाएगा 07 270, मतलब ये वाला एंगल कितना है 270। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर या क्या हो जाएगा बाबू, थीटा अपॉन, क्या कहते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू एरिया पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक। थीटा कितना है यहाँ पे, 270 अपॉन 360 इंटू पाई, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 3.14 लेना है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो 3.14 ले लीजिए आप इंटू आर। और रेडियस कितना दोस्तों, रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ यहाँ पर कट जाएगा 3927, 312 जा, 339, 34 जा, ठीक, 22 जा, 4, 25 जा, 10, ठीक। अब अभी से कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बचा आपका, थ्री, इधर क्या बचा आपका 3.14 इंटू, इधर क्या बचा आपका 5 इंटू 10, ठीक है, और नीचे क्या बचा आपका 2 बचा, ठीक। जैसे आप कैलकुलेट करिए दोस्तों, 2 5 का 10 इसे भी कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करके चेक करिए दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर दोस्तों, आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये आपका दूसरा वाला पार्ट हमने कर दिया, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला पार्ट आसानी से निकल जा रहा था, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट को समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। देखिए दोस्तों, माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इस वाले का एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे 90 डिग्री से जो बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे का एरिया आ जाएगा। और क्या करेंगे फिर हमें, एरिया ऑफ ये ट्रेंगल का एरिया हम घटा देंगे तो हमारा ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दोस्तों हम निकालते हैं, ठीक, तो आइए चलिए, पहला क्या करिए, पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लिए, या एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाई ओएबी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, थीटा अपॉन 360, मतलब यहाँ थीटा यहाँ कितना होगा, पहले लिख लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा है बाबू 90 अपॉन 360 करिए, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है, आर की वैल्यू है 10, ठीक है, आर की वैल्यू क्या है 10, इतना आर, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, दोनों की लेंथ कितनी होगी 10, कितना हो जाएगा ये 4 ज़ा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू 5 ज़ा और 5 ज़ा, ठीक, 2 2 ज़ा 4, 2 5, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसे क्या करिए, आप कैलकुलेट कर लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका आ जाएगा 3.14 इंटू 25, आप कैलकुलेट करिए दोस्तों, आपका कितना आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इस पूरे का एरिया। लेकिन हमको चाहिए क्या, सिर्फ इसका, सिर्फ इसी का एरिया चाहिए, और हमको दे दिया पूरे का, तो क्या करें हम, इस पूरे में से क्या करें, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, देखिए ये 90 डिग्री, ये बेस होगा, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, तो बेस का मान लीजिए 10 और एल्टीट्यूड कितना दोस्तों, 10, कितना हो जाएगा 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करिए, आप एरिया ऑफ यहाँ पे आप लोग ना दोस्तों एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर लीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है,
अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ से आपको होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप माइनस कर दिए 78.5 में से 50 को आप घटा दिए, आपको कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या बाबू आंसर। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल है उसका रेडियस कितना है बाबू 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, कोई आर्क है मान लेते हैं वो कितना 60 डिग्री बना रहा है सेंटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लंबाई आपको निकालना, फॉर्मूला है आपको निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर बाय द आर्क, फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से जो है आपका एरिया यहाँ से ज्वाइन कर दिए एरिया, अब इस वाले का एरिया आपको नीचे वाले का पूछा है। ठीक, क्वेश्चन पिछले वाले की तरह दोस्तों, बस कुछ इसमें करना नहीं है। तो आइए देखिए दोस्तों इसको सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, देखिए ये है दोस्तों, मान लेते हैं कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, ए बी से ये ए बी जो है आर्क है। ठीक, इससे ये आर्क जो है सबटेंड कर रहा है एंगल 60 डिग्री, ये आर्क है ए बी, और ये आर्क ए बी कितना कर रहा है सेंटर पे एंगल सबटेंड 60 डिग्री। ठीक, इसकी लेंथ कितनी है, रेडियस मतलब कितना है, रेडियस 21 है, 21 ओ ए की लेंथ है, 21 ओ बी की लेंथ है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है पहले बताइए इस आर्क का लेंथ, तो सिंपल सा हम फार्मूला बताए थे लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जहाँ हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क की बात आएगी वहाँ 2 पाई आर लगाना, और जहाँ एरिया की बात होगी वहाँ क्या लगेगा मल्टीप्लाई होगा पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या बाबू 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना बाबू 21, 7 3 21 और 6 हो जाएगा बाबू। ठीक, 2 3 6, 3 3 कैंसिल हो गया बाबू, लेंथ ऑफ आर्क ये भी कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी बाबू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क ए बी क्या होगा बाबू 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लगा दीजिए थीटा कितना बाबू 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 ले लेते हैं इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 21, 21 इंटू 21। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 7 3 हो जाएगा, 3 6 2 11 3 3 से कट जाएगा, 11 इंटू 21 कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 11 जाए 11। ठीक, तो अब ये वाला हो गया दोस्तों, ये हो गया, पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब इस करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होगा दोस्तों, मतलब अगर आप इस एरिया है यार सॉरी ये आर्क है, अगर इस आर्क को हम ऐसे ज्वाइन करें ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा कॉर्ड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा ए बी कॉर्ड कहलाएगा। तो कह रहा है इस वाले का एरिया हमको निकालना है, तो क्या करिए पूरे का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाले ही ठीक है, इस पूरे का एरिया आप निकाले हैं, बस क्या करिए आप ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस कर दिए पूरे में से। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, देखिए ओ ए बी, ओ ए बी आपको आप ये देखिए ये एंगल 60 डिग्री दोस्तों, ये साइड और ये साइड बराबर रेडियस है, तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब एंगल ओ प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होता है 180 डिग्री, तीन एंगल का सम ट्रायंगल के 180 डिग्री बराबर होता है, एंगल ओ कितना बाबू 60 डिग्री, एंगल ए ठीक है एंगल ए एंगल बी बराबर है। ठीक है, मतलब एंगल ए मान लेते हैं और एंगल बी को भी एंगल ए ही लिख सकते हैं,
दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 में से 60 चला 2, एंगल ए बराबर हो जाएगा 120, तो एंगल ए क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। मतलब तो एंगल ए क्या हो गया 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ आप कर दीजिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ट्रायंगल जो पढ़ाए थे √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड क्या है बाबू 21, 21 इंटू 21, ठीक। अब आप क्या करिए, तो इससे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी आप ले लीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्म बाई कॉट ए बी, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ए बी क्या हो जाएगा बाबू, उस पूरे एरिया में से, ये देखिए इस पूरे एरिया ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ठीक है, ये वाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी कितना है 231 है, 231 में से आप इसको घटा दीजिए कैलकुलेट करके, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा आपका 441, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ठीक है, √3/4 इतना ही आप घटा दीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिक्स वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, करा एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब कोई एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ कोई कॉर्ड है इसका सेंटर मान लीजिए ओ है, यहाँ पे कितना सेंटर पे कितना कॉर्ड बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, आपको माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है और पूरा मेजर सेगमेंट का एरिया बनाना है, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, और ये कितना है बाबू 15 है, और ये कितना है 15, तो अभी जो हम बताएं एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ये वाला, ठीक है, तो इससे तो आपको निकल आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या करिएगा, आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल आएगा, ठीक है, फिर मेजर कैसे निकालेगा, इस वाले का क्या करिएगा, पूरे सर्कल में से माइनर वाले को घटा दिया आपका मेजर आ जाएगा, पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस इसका आप कैलकुलेट किए रहेंगे, इसको घटा दीजिएगा माइनर सेगमेंट के एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक। तो इसको आप करिएगा, अब मैं आगे बढ़ाऊँ, और यहाँ पे दोस्तों आप एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, √3 की वैल्यू 1.73 लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, सातवां देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है इसका 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल ये कॉर्ड आप बना लीजिए, ठीक, यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, सबटेंड एंगल एट द सेंटर कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है। रेडियस कितना है 12, ये कितना है 12, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक, आपसे पूछ रहा है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया बताइए, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक, इसका जो एरिया निकालने के लिए क्या करिएगा दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दीजिएगा, ठीक है, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल करके क्या करिए, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, फिर आप उसी में से माइनस कर दीजिए, पूरे में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दीजिए, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक ठीक है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, आठवां देखिए दोस्तों, आठवां क्वेश्चन,
आठवां वाला देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है एक हॉर्स है, इस टाइट टू अ पेग एट द कॉर्नर, एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास वेल ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन था 5 मीटर लॉन्ग रोप। रोप मतलब रस्सी होती है दोस्तों, ठीक। तो कह रहा है एक हॉर्स है जिसको रस्सी से बांधा गया है। उस रस्सी की लंबाई ऐसे देखिए, स्क्वायर टाइप का है आपका ग्रास फील्ड जो है आपका, स्क्वायर टाइप का है, ठीक। इसमें क्या है, घास है, ठीक है। और घोड़ा को जो है यहाँ पे कितनी लंबी रस्सी, 5 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर रस्सी, यही तो है। ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको चलने, यहाँ बांधा गया खूंटा और ये 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा दोस्तों, चलेगा, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। इस एरिया का पूछ रहा आपसे, एरिया आप निकालिए कितना वो ग्रास चलेगा। कह रहा है फाइंड द एरिया दैट द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जिसमें जो है घोड़ा घास को खा सकता है, वो कौन सा एरिया दोस्तों, ये वाला एरिया, ठीक। तो इस वाले एरिया को हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस वाले एरिया को हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये वाला एंगल कितना बाबू, स्क्वायर का हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो एक तरीके से ये कहाँ होगा, इसका नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, ठीक, इसका नाम दे दें ओ, और इसको हम यहाँ बनाया कर, इस वाले बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। देखिए ओ ए बी, ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल है बीच में, 5 मीटर, ठीक। और ये इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर। तो वही वाला फॉर्मूला निकालिए, आपको क्या इसका एरिया निकालना, कैसे निकालिएगा, देखिए ये क्या है, एक एरिया ऑफ सेक्टर इसका निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ बीच में भी एक नाम दे दीजिए सी, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, थीटा कितना बाबू, 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, आर कितना है दोस्तों, 5 पे स्क्वायर होगा 25, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 4, देखिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ दिया है पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू आपको जैसी लेनी होती है उसमें आपको दिया रहता है, ठीक, यहाँ पे क्या लेंगे, 3.14 दोस्तों, कुछ भी नहीं दिया तो आप मान सकते हैं 22/7 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 3.14 लेना है पाई की वैल्यू, ठीक है। आप क्या करिए, आप इसे कैलकुलेट करिए, आप कितना आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक। आपसे पूछ रहा है, अगर पहला वाला पार्ट हो गया आपको, ठीक है, आपसे पूछ रहा है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 10 मीटर, मतलब अगर रस्सी 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना और इंक्रीज हो जाएगा। ये पूरा कितना बहु, ये पूरा 15 है, ठीक ठीक है। यहाँ आपको दिया था स्क्वायर ऑफ साइड 15 मीटर, ठीक। तो आप कह रहे 10 मीटर मतलब 5 मीटर और बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तरह इंक्रीज कितना हो जाएगा, इंक्रीज दोस्तों मान लीजिए यहाँ तक 10 है, तो इंक्रीज दोस्तों यही हुआ ना एरिया, इस एरिया को, तो इसमें क्या करिएगा आप, इसको इस रस्सी को क्या मान लीजिए, सॉरी मान रुकिए, ठीक दोस्तों, जिसे वो माने हैं, ये बी है आपका, ठीक। अब इसकी लेंथ हमने 10 कर दी, ठीक है। तो कह रहा है इंक्रीज कितना कर गया, तो ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, 10 रख के आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। अभी भी क्या एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, लेकिन अब रस्सी की लेंथ कितनी हो गई है, तो अब 10, अब रस्सी की लेंथ कितनी हो गई है, 10, यहाँ 10 आप रख दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, इसका नाम चेंज करिएगा आप, एरिया ऑफ सेक्टर, जब आपने नाम रस्सी बढ़ाई तो इसका नाम भी चेंज होगा, ठीक है। ये हम इसको माने थे, बी इसको माने थे जब 5 मीटर थी, जब 10 मीटर रस्सी हो गई तो इसको मान ले रहे हैं सी, और इसे मान, सी हम मान चुके थे बीच में, इसे मान ले रहे हैं बाबू पी क्यू, मान ले रहे हैं पी क्यू, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू, इसे बीच में आर, ठीक, ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, मतलब थीटा अपॉन थीटा 90 है, तो पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, आर कितना हो गया, इस बता सट से कैलकुलेट करिए, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों, 78.5 मीटर स्क्वायर आ गया। आप पूछ रहा था आपसे कितना इंक्रीज किया है, तो क्या करिएगा, इस वाले में इसको घटा दिया आपका, अब आंसर आ जाएगा, तो इंक्रीज एरिया
78.5 में से 19.625 आप बता दिया आपको दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक है दोस्तों, आपका इतना आ जाएगा आंसर। ठीक अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, नाइन्थ वाला क्या कह रहा है, ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रूच है जिसको सिल्वर वायर से बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको ये फिगर दिया है 11 पॉइंट। ठीक है, द वायर और उसका डायमीटर कितना है, 35 mm। डायमीटर ये 35 mm। ठीक है, कितना इसकी लेंथ, 35 mm। इसकी लेंथ कितनी बाबू, mm में दिया हुआ। ठीक है, 35 mm। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इन टू 10 सेक्टर्स। ठीक है, और ऐसे कितने डायमीटर यूज किया जा रहा है, 5 डायमीटर। एक तो ये हो गया, एक ये, दूसरा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, और पांचवा, 5 डायमीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो 5 डायमीटर है कुल सर्कल को कितने भाग में बांट दिए हैं, 10 पार्ट में, 10 इक्वल पार्ट में बांट दिए हैं। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट मतलब वन मान लीजिए, इसको वन मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट में बांट दिए। ठीक ठीक है दोस्तों, तो आपसे पहला क्या पूछा, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तरह सिल्वर वायर कितना लगा हुआ। देखिए दोस्तों कितना लगा हुआ, पहले तो ये सर्कल है, तो सर्कल का लेंथ कितना है ये निकालिए इसमें, क्योंकि जो है इसको, इसका सर्कल का लेंथ में भी सिल्वर वायर यूज हुआ होगा। ठीक है, तो सर्कल की लेंथ कितनी कैसे आती है, सर्कल की लेंथ मतलब होता है 2πr सर्कमफेरेंस फार्मूला। ठीक है, 2πr। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। इसमें तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, पहला क्या होगा बाबू, सर्कमफेरेंस में जो लगा होगा, ठीक ये वाला, इसमें कितना लगा होगा गोला बनाने में, 2πr। ठीक, तो 2πr प्लस 5 डायमीटर भी आपको बनाना है, कितना उसका लेंथ है, एक 5 डायमीटर भी इसने बनाया सिल्वर वायर का, 1 2, ये आपका डायमीटर 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, 5 डायमीटर है। ठीक, तो आप क्या करिए, 35 इंटू क्या करिएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दी, एक की लेंथ कितनी है 35, और डायमीटर कितना है 5, टोटल कितना हो गया लेंथ, 5 इंटू 35। ठीक है, 5 डायमीटर है उस, हर एक की लेंथ कितनी है 35, तो हम 5 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर दी, 2 इंटू, देखिए पाई के बारे में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो आपसे और रेडियस कितना है दोस्तों, रेडियस कितना है 35, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, डायमीटर कितना है 35 अपॉन, डायमीटर कितना है 35, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2, इसका आधा। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों, 2 × 22/7 और रेडियस कितना 35/2 और क्या हो जाएगा प्लस 5 × 35। ठीक, 2 से 2 चला जाएगा दोस्तों, 7 से 5 जाएगा। ठीक है, अब आप जोड़ दीजिए दोस्तों, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 2 कैरी और 5 × 3 = 15, 17। ठीक, इसे सम करिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, 8 और 2, 285 आपका यूनिट क्या था, मिलीमीटर था। ठीक है, mm हो जाएगा आपको, तो टोटल लेंथ कितना हुआ दोस्तों, इतना आपका यूज हुआ है सिल्वर वायर। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया क्या निकालिए। तो बस दोस्तों ये देखिए, आप क्या करिए, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये वाली क्या है बाबू, एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर क्या है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कितना बनाती है, 180 डिग्री बनाती है, और इसको कितने भागों में बांटना है, 1 2 3 4 5, तो 180 डिग्री को इसने 5 भागों में बांट दिया, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 30, मतलब हर एक का एंगल कितना हुआ 36 डिग्री, इस हर पार्ट का एंगल कितना हुआ 36 डिग्री। ठीक, मतलब दोस्तों अगर आप इसे समझना चाहें, 36 डिग्री इसका भी होगा, 36 डिग्री इसका होगा। ठीक है, एंगल इसका एंगल कितना हुआ 36 डिग्री, इसका एंगल कितना हुआ 36 डिग्री, इसका एंगल कितना हुआ 36 डिग्री, आप सबको जोड़ के देखिएगा कितना आएगा, 180। ठीक, तो आपसे पूछ रहे किसी एक का बताइए, तो आप क्या करिए, इधर भी सब क्या होगा, सब 36 डिग्री, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इधर भी क्या होता है 180, 5 पार्ट में पटा हुआ है, तो डिवाइड कर देंगे सब 36 डिग्री, सबका क्या होगा 36 डिग्री। ठीक है, सबका 36 36 36, तो आपसे पूछ रहा है किसी एक का एरिया ऑफ ईच, मतलब प्रत्येक का आपसे पूछ रहा है, तो आप किसी एक का निकाल लीजिए क्या होगा, वो फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, क्या होगा, थीटा कितना है 36 अपॉन 360। ठीक है, एरिया पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए, आर की वैल्यू कितना बाबू 35.2, का इसका स्क्वायर कर दीजिए 35.2 दो बार आ जाएगा, ठीक। ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा 10, ठीक है। तो आपका क्या बच गया बाबू, ये हो जाएगा आपका 11, ठीक। ऊपर क्या बचा 11 और 35 इधर बचा थी, और नीचे कितना बचा 4, कितना हो जाएगा 11 5 55, 5 कैरी 11 3 33, 38 इतना mm, ठीक स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। तो आपका ये निकल रहा है, ठीक दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 10th वाला क्या कर रहा है। एन अम्ब्रेला है 8 रिप्स, इसके कितने मान ले 8 रिप्स है, कह रहा है विच आर इक्वली स्पेस्ड और इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, मतलब उनकी जगह बीच के जो जगह है वो बराबर है। अस्यूमिंग अम्ब्रेला टू फ्लैट और सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, इसके मान लेते हैं अम्ब्रेला फ्लैट है, ठीक है, और सर्कल बना रहा है कितना, उसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर, कह रहा फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, मतलब दो रिप्स के बीच का एरिया आप बताइए, दो कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच का एरिया, या तो इसके या तो इसके, चाहे जिसके आप निकाल लीजिए, क्योंकि जगह बराबर है, दोनों दो रिप्स के बीच की जगह बराबर है, तो आप किसी भी एक का निकाल लीजिए। टोटल रिप्स कितने बाबू, ऐसे टोटल रिप्स कितने हैं, जैसे फ्रंट की तरफ कितना आपको दिख रहा है 1 2 3 और 4, और उधर पीछे की तरफ कितना होगा 4, तो कह रहा है 8 रिप्स है, तो पूरा एंगल कितना बनाता है 360, ठीक है, सर्कल का पूरा एंगल कितना होगा 360, ठीक है, उसको 8 भागों में आपको बांट दीजिए, ठीक, कितना एक एंगल कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, ठीक है 45 डिग्री, तो मतलब एक का एंगल क्या होगा, हर एक का एंगल कितना होगा 45 डिग्री, हर एक का एंगल कितना 45 डिग्री, ठीक है। आपको क्या रेडियस बाबू दिया है कितना 45 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ क्या है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछ रहा फाइंड द एरिया, तो आप क्या निकाल लीजिए, एरिया नहीं निकाल सकते हैं? बताइए, आपसे एरिया पूछ रहा है, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, आपसे एरिया पूछ रहा है, ठीक है, और रेडियस कितना बाबू, रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना 45/360 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 45 का इंटू 45, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, ठीक, कैलकुलेट करके देखिए दोस्तों, जितना आया आपका उतना ही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, कार होता है उसमें शीशा होता है ना, हर गाड़ी में क्या होता है 4 व्हीलर में शीशा होता है, उसके ऊपर वाइपर लगा होता है, बारिश में काम आता है वाइपर, तो कह रहा है ईच वाइपर है, दो वाइपर उसके पास कितना है 2 वाइपर, करा ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, हर वाइपर के पास ब्लेड का लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और कितना एंगल वो स्वीप करता है 115 डिग्री, करता फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, करा जितनी बार ब्लेड चलता है, ठीक है, वो हर बार क्या है उतना एरिया आप निकालिए कि जितना वो स्वीप कर जाए, मतलब जितना वो एरिया साफ कर देता है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ब्लेड, एक ब्लेड कितना एरिया साफ करता है वो निकाल लेंगे, उतना ही क्या है उतना ही दूसरा ब्लेड भी निकाल एरिया साफ कर रहा है, एक कार एक शीशे पे दो ब्लेड होते हैं ना, तो कह रहा है तो आप एक का निकाल लीजिए, डबल कर दीजिए, एक का एरिया आप निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकालेंगे, कितना बना रहा है 115 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक, क्या होगा थीटा अपॉन 360 बाबू, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, पाई की वैल्यू आप 22/7 रख लीजिए, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, इसे आप कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए आपका आंसर आ जाए, ये करिएगा तो आपको एक ब्लेड से आएगा, आपको दो ब्लेड का निकालना है, दो ब्लेड कितना एरिया कवर कर रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। देखिए दोस्तों 13 वाला देखिए, 13 वाला क्या करा है, करा एक राउंड टेबल है, ये वाला फिगर एक राउंड टेबल है, ठीक है, इसका राउंड सेंटर होगा, ठीक, कह रहा है उसके पास 6 इक्वल डिजाइन है, ये देखिए, ठीक है, कह रहा है इधर रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना बाबू 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, कह रहा है डिजाइन का कॉस्ट निकालिए, ठीक है, देखिए बाबू आप क्या करिएगा, एक तरफ का डिजाइन निकाल लीजिए, ठीक है, अब ऐसी कितनी डिजाइन है 6, 1 1 2 3 4 5 6, ये जो डिजाइन बनी है ना ये वाली, ठीक है, तो आप एक तरफ डिजाइन निकाल लीजिए
ठीक है, और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, उतना आपका बता देगा कि कितना आपका आ गया एरिया। और फिर क्या करिए, ये कह रहा है कि आपका 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाम है, तो कितना उसको लगेगा बनाने में, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में इतना दाम लग रहा है 0.35। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना पूरा डिजाइन एरिया कवर कर रहा है, फिर उससे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको रुपए में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए आपका 28 ये है, तो सॉरी, तो ये भी क्या होगा, 28 हो जाएगा रेडियस, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, 1, 2, 6 पार्ट में बटा हुआ इक्वल, ठीक है, 6 इक्वल पार्ट में बटा हुआ दोस्तों। तो हर एक एंगल कितना बनेगा, देखिए पूरा एंगल बनाता है 360, 6 भाग में बटा है, मतलब 6 6 हर एक में कितना बनेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे, ठीक। तो आप क्या करिए, पहले इस पूरे एरिया निकाल लिए, ठीक। अच्छा ये देखिए एक इक्विलेटर ट्रेंगल बन रहा है, देखिए ओ ए बी, ठीक है, इक्विलेटर ट्रेंगल एरिया बन रहा है ओ ए बी, देखिए 60 डिग्री ये है और ये दोनों लेंथ सेम है, ठीक है। इस ऐसे केस में जब यहाँ सेंटर में 60 डिग्री बने तो ये रेडियस इक्वल है, तो यानी ये भी क्या होगा बाबू, 60 डिग्री, हम अभी निकाल के बताया भी थे, ये भी क्या बनेगा 60 डिग्री, ये भी क्या बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म करता है, और आप क्या करिए पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिए, ओ इसे मान लीजिए पी, ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिए ओ ए पी बी, ठीक है, फार्मूला आपको पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ पता है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए ओ ए पी बी, माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, तो आपका ये वाला, आपका डिजाइन वाला, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, एरिया आ जाएगा। फिर यही को आप 6 से मल्टीप्लाई करके फिर 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका दाम आ जाएगा, ठीक। 14 वाला देखिए दोस्तों क्या कह रहा, कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर बताइए आप, एंगल जिस बन रहा है पी, एंगल क्या है पी और रेडियस कितना आर, तो अगर एंगल थीटा बनता था तो क्या होता था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, एंगल पी बन रहा है, तो थीटा यहाँ क्या रख दिया आप, पी रख दीजिए, ठीक है, तो इतना आना चाहिए। अब देखिए इतना है किसी में, पी अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, पहली बात तो देखिए आर स्क्वायर में होना चाहिए, यहाँ आर स्क्वायर में नहीं है, ये नहीं होगा, ये स्क्वायर में हो सकता है, ये है ही नहीं, ये नहीं होगा, और ये भी है, ठीक है। अब ये देखिए जब ये 2 से काटिएगा तो कितना आएगा, 360, तो ये कितना हो जाएगा, तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाला आपका सही है, और इसको देखिएगा आप, ये कहाँ होगा, पाई 1/80 नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों।